लेकी की प्रभु का नाम सॉन्ग सलमान खान और कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 का पहला गाना लेकी प्रभु का नाम हाल ही में रिलीज किया गया है। सोशल मीडिया पर सलमान का ये गाना जमकर धूम मचा रहा है। लेकी प्रभु का नाम गाने को सिंगर अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने गाया है। ऐसे में निकिता ने इस गाने को लेकर बड़ी बात कही है। इस गाने को हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने अपनी जादुई आवाज में गाया है। इस बीच अब निकिता ने सलमान खान और कटरीना के इस सॉन्ग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। लेकिन प्रभु का नाम की सिंह ने किया बड़ा खुलासा। निकिता गांधी बॉलीवुड की मशहूर गायिकाओं को लिस्ट में शुमार है। मौजूदा समय में स्पाई थ्रिलर टाइगर 3 के लेटेस्ट सॉन्ग लेके प्रभु का नाम के नाम को लेकर निकिता का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच निकिता गांधी ने फिल्म के इस गाने को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल हाल ही में निकिता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया है, मैंने लेके प्रभु का नाम गाना एक साल पहले रिकॉर्ड किया था। उस समय मुझे इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी। ये गाना सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 के लिए है। मुझे लगा कि सिर्फ एक बॉलीवुड सॉन्ग है। लेकिन प्रभु का नाम की रिलीज से कुछ सप्ताह पहले जब मैंने इस गाने के फाइनल टचअप के लिए तैयारियां शुरू की, तब मुझे पता लगा कि ये टाइगर 3 का पहला गाना होगा। हालांकि मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ जो ये गाना मुझे मिला। YouTube पर लेकी प्रभु का नाम ने मचाया धमाल। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का लेकी प्रभु का नाम का इस समय फैंस की पहली पसंद बना हुआ है। YouTube पर रिलीज के 4 दिन के में लेकी प्रभु का नाम को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 1.1 मिलियन लोगों ने इस गाने को लाइक्स किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। आपका अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।